नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं, आपकी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें मैंने आपको इक्वेशंस दी थी दो करने के लिए, तो मैंने नोट्स भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर करा दिए हैं, तो आप उनकी हेल्प से अपना जो इक्वेशंस आपने की थी उन्हें मैच कर लीजिएगा। आइए आज हम पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड्स के बीच, किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स, कौन सा मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर बी। ठीक है जी, क्लियर है, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर बी, या आप ऐसे लिख सकते हो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर बी। ठीक है जी, तो देखो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इस तरीके से होती है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो चलती है, मान लो, है ना, किसी एक एक्सिस के अलोंग तो चलेगी, तो मान लो किस एक्सिस के अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके वेक्टर के वाइब्रेशंस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस, कंपन, और यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तरंग संचरण की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा। ठीक है जी, तो पहले तो इसमें लैंग्वेज लिखनी है आपको ऐसे ही कि लेट अस कंसीडर, क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, क्लियर है, फुल स्टॉप। ठीक है जी, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर ई इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर बी इज अलोंग जेड एक्सिस, क्लियर है। ठीक है जी, देन तो हिंदी में सुन लो, माना कोई विद्युत चुंबकीय तरंग प्लस एक्स दिशा प्लस एक्स के अनुदिश चल रही है, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन वाई एक्स के अनुदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन जेड एक्स के अनुदिश हैं, तब देन, है ना, तो देन इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जी, जो इक्वेशंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड, हालांकि पहले एक काम करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख लें इक्वेशन, है ना, फिर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अलग, तो इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस, है ना, फाई, इस तरीके से, या एक पढ़ी होगी वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्वेश्चन आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होंगी, वेव मोशन जो फोर्थ यूनिट थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, उसमें तो y बराबर क्या होता है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर रहेगी y की जगह e, a की जगह e नोट, a क्या होता है एम्पलीट्यूड आयाम, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो e नोट रहेगा, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम में वेव मोशन में थे ये फॉर्मूले, बाकी नहीं तो 11th क्लास में भी थे, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओमेगा बता दूं आपको ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, टी क्या है आवर्तकाल है, टाइम पीरियड जिसे आप कहते हैं, के है प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट यानी कि संचरण नियतांक,
लैम्डा आप जानते हैं वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, सबकी वैल्यू रखो। ओमेगा की वैल्यू 2π/T × T माइनस के 2π/λ × x, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन ले लो 2π/λ, तो लैम्डा तो यहाँ है नहीं, तो जहाँ जो चीज़ नहीं होती है कॉमन ले लेते हैं तो वो ऊपर पहुँच जाती है, मतलब उससे डिवाइड हो जाता है। तो 2π/T था ना, और भाई आपने 1/λ कॉमन लिया है तो 1/λ से क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है जी। 2π भी बाहर ले लिया आपने, ये बचेगा बस, है ना, और माइनस, तो डायरेक्ट 1/λ को ऊपर ही लिख दूँ, λ/T, है ना, आप तो BSc के स्टूडेंट हैं समझते हैं इतना, तो λ/T है ना, और माइनस x बचेगा, ठीक है जी। और λ/T होता है आपका c, भाई ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है ना, यानी लेंथ ही तो है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, लेंथ दूरी तो है, लंबाई ये दूरी है ना, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बताया तो था लाइट की स्पीड से चलती है, तो स्पीड क्या ली जाएगी, सी, तो λ/T क्या हो जाएगा, सी, दूरी बटे समय बराबर चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ठीक है। हाँ, यहाँ टी भी तो बचा है, तो ई बराबर आ जाएगा ई नोड साइन 2π/λ, और यहाँ सी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। सिमिलरली इक्वेशन किसकी लिखो, इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड पूरा लिख लियो, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। बी बराबर आएगा इसी प्रकार, बी नोट, भाई ऐसे करना पड़ेगा, दोबारा करने का क्या लाभ, ऐसे डायरेक्ट लिख दे, साइन 2π/λ सी टी माइनस एक्स, क्लियर है। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करो टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक है। डायग्राम की तो कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए था बस, जो लैंग्वेज मैंने बोली है ना, उसी के बारे में बताता है डायग्राम। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, टी का, टी के रेस्पेक्ट में इसका करो, तो डेल ई ओवर डेल टी बराबर, ई नोट तो ऐसे रहेगा, साइन का करते हो कोस हो जाता है, कोस 2π/λ, और यहाँ सी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। और फिर एंगल का भी तो करोगे, तो एंगल का करोगे तो 2π/λ टी का 1 हो जाएगा, तो c और x तो कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल में जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशियल, बस वही तो वेरिएबल रहता है, बाकी तो सब कांस्टेंट रहता है, तो x कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशियल। तो डेल e ओवर डेल t बराबर क्या आया, 2π c, है ना, अपॉन लैम्डा e नोट cos 2π/λ सी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। अब इसी प्रकार डिफरेंशिएट करो इक्वेशन सेकंड को, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को क्या है भाई, यहाँ डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड पार्शियली, विद रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल बी ओवर डेल एक्स बराबर आ जाएगा बी नोट, ठीक है जी। साइन का हो जाएगा कोस 2π/λ सी टी माइनस एक्स, और भैया अब एंगल का करो, 2π/λ तो बाहर है, c
सी टी तो जीरो है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो सी टी का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, एक्स का करोगे तो वन, तो आ जाएगा डेल बी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस आएगा क्या, हाँ माइनस का टू पाई अपॉन लैम्डा बी नोट, ठीक है कोस टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये आ गया है ना डेरिवेटिव ई का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये बी का फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन ये टी के रेस्पेक्ट में है और ये एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो इनके बीच रिलेशन का एक फॉर्मूला है, उसे हम लिखते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, देखो अब इसमें आपको करना क्या है, मैंने बताया एक रिलेशन है, तो रिलेशन किस किस के बीच है वो है ना लिखना, वी नो दैट, ये रिलेशन आपको याद रखना है, कहाँ था ये, वही वेव मोशन जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की न्यूटोनियन मैकेनिक्स की फोर्थ यूनिट थी उसी में था ये रिलेशन भी है ना, जो मैं अब डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स भी कौन से वाले फर्स्ट है ना फर्स्ट, और वो डेरिवेटिव भी कौन से पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ठीक है जी, बिटवीन द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर बी, वेक्टर ई का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये है और वेक्टर बी का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये है, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन। तो ये याद रखना है आपको, डेल बी ओवर डेल एक्स होता है माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो यहाँ से माइनस का टू पाई अपॉन लैम्डा बी नोट कोस टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स बराबर माइनस का म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेली ओवर डेल एक्स, डेली ओवर डेल टी की वैल्यू रखो टू पाई सी अपॉन लैम्डा ई नोट कोस टू पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। देखो कोस वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, टू पाई अपॉन लैम्डा, टू पाई अपॉन लैम्डा कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है जी। देखो फिर क्या बचा, देखते हैं क्या बचा, एक तो बी नोट इधर से, तो बी नोट बचा बस, यहाँ से म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और यहाँ से ई नोट और क्या बचा, सी भी तो बचा, ठीक है। चलो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर होता है सी, तो यहाँ से म्यू नोट एप्सिलॉन नोट क्या आएगा, वन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन सी स्क्वायर ई नोट इंटू सी, तो ये बचेगा बी नोट बराबर ई नोट अपॉन सी है ना, और सी ई नोट अपॉन बी नोट क्या बचा, इसे अपॉन में ले जाओ इसे इधर ले आओ, क्या बचा सी। देखो ये रिलेशन है ना, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन मैग्नीट्यूड में है मतलब मैक्सिमम वैल्यू में है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड के लिए, ई अपॉन बी बराबर सी, भाई ई नोट वैल्यू जो है तो ई की ही, बी नोट वैल्यू है तो बी की ही, तो ई अपॉन बी बराबर सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर के मैग्नीट्यूड्स के बीच रिलेशन आ गया है, तो हैंस करके लिख दियो, हैंस द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ है ना, या बल्कि यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड, भाई मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है तो ये एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है तो एम्पलीट्यूड कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या लिखोगे,
इट इज़ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हिंदी में सुनिए, विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात का अनुपात है ना प्रकाश की चाल के बराबर होता है। कर लोगे इसे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद हम करते हैं क्या, एक्सप्रेशन हेडिंग डालो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। देखो मैंने एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूले करा रखे हैं आपको, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब भी बताया था। वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी आप जानते हो। देखो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी किसकी कर रहे हैं तो हेडिंग में लिख दियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कर रहे हैं। तो वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, डेरिवेशन करा रखा है प्रूफ भी है ना, और बताया भी था अभी जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो भी करा रखा है और बताया भी था प्रॉपर्टीज में। तो वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं यू ई से डिनोट किया था, और फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये था ना। एंड आप जानते हो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यू एम से कहा था, एम फॉर मैग्नेटिक यू फॉर इलेक्ट्रिक, क्या था बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ठीक है जी, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, कोई दिक्कत। देन फिर मैंने ये प्रॉपर्टीज में बताया था कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी यू बराबर यू ई प्लस यू एम। तो यू बराबर यू ई की वैल्यू रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। 1/2 कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई है ना। और ये तो हमने कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो क्यों, क्योंकि ये तो हमने प्रॉपर्टीज में बता दिया था, डेरिवेशन तो अब दूसरा करना है। देखो दूसरा एक्सप्रेशन लाना है, देन एवरेज इलेक्ट्रिक है ना एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, देन एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज निकालेंगे एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या, तो या एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बात एक ही है। एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज यू ई है, इस पे बार लगा दो, और यू ई का फॉर्मूला ये रहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस पे बार लगा दो। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला है ई का, अभी तो प्रूफ कराया, अभी बताया था ई बराबर ई नोट साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है जी। इधर का दिख रहा है आपको ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर है। चलो तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो बस, ई नोट साइन बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर यू ई बार बराबर आएगा वन बाई टू एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस पे तो बार लगा रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि बार का मतलब है इसकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू जो है ना कैसी लेनी है, एवरेज वैल्यू लेनी है। इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं लेकिन एवरेज वैल्यू लेनी है। और ये ट्वेल्थ में भी था साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये साइन स्क्वायर जो भी आगे कुछ रहे उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 होती है फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। चलो पहले मैं लिख दूँ ये बात साइड में, क्या यहीं लिख दूँ मैं, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्र के दौरान जो इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2, ठीक है जी। यहाँ से हटा लो, चलो यहाँ वैल्यू रख दो 100, और ये वैल्यू कैसे होती है ट्वेल्थ में निकाल के भी दिखा रखी होगी, है ना, आप देख लेना। बाकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसकी वैल्यू 1/2 वहाँ पे जरूरत पड़ती थी जब आप रिपल फैक्टर निकालते थे, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में कहाँ बल्कि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप रिपल फैक्टर निकालते थे, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते थे ना, पूर्ण तरंग दृष्टकारी अर्ध तरंग दृष्टकारी वहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकाल के दिखाना तो एक टाइम वेस्ट ही होगा फिजिक्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये मैथ का विषय है। कंप्लीट साइकिल के लिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एवरेज, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, आप करना चाहो तो खुद कर सकते हो। 0 to t इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी अपॉन टी, है ना, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, चाहे करके देख लेना, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए है इसलिए टाइम इंटरवल 0 से t तक ले रहे हैं, एक चक्र पूरा जितने समय में होता है उसे तो टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम, है ना, कैपिटल टी, तो लिमिट 0 to t और अपॉन में टी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल करना आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बीएससी का आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलो ऐसे तो इंटीग्रल आपने ट्वेल्थ में किए होंगे, तो 1/2 इसकी वैल्यू आएगी 100, तो क्या आएगा यू ई, यू ई बार आएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ई नोट का स्क्वायर बल्कि, और इसकी वैल्यू 1/2, तो यह आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यू ई बार बराबर 1/2 एप्स 1/2 क्या 4 हो जाएगा 1/4, है ना, एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर। देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो मैं इस साइड से रफ कर देता हूँ, है ना, इधर से ये डेरिवेशन में कई चीज़ें पूछ सकता है ना, टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछे तो ये करना है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछे तो ये कर देना है, ठीक है। और क्या क्या करना है तो मैं लिखवाऊंगा, चलो, है ना। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी है बस, एवरेज वाली नहीं है ये, और देखो इसका भी एक एक्सप्रेशन और आ सकता है, कैसे आएगा देखो, आप एक फॉर्मूला जानते हैं ERMS बराबर, बल्कि आपने आई के केस में पढ़ा होगा, IRMS बराबर होता है आई नोट अपॉन रूट टू, या VRMS बराबर V नोट अपॉन रूट टू, यहाँ E है तो ERMS बराबर आएगा E नोट अपॉन रूट टू, तो E नोट क्या आएगा यहाँ से, E नोट 1/4 एप्सिलॉन नोट, E नोट की वैल्यू रखो यहाँ से क्या आएगी, ERMS रूट टू और इसका होल स्क्वायर,
यहाँ वैल्यू रख दी हमने ये नोट की, तो 1 बाई रूट टू का स्क्वायर करो 2, तो बट अपॉन में 2 बचेगा बस कट के, और ये आएगा ई आर एम एस का स्क्वायर। तो देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड या एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के भी दो एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। डेरिवेशन पूरा करा रहा हूँ, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब यही काम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर लो, तो देन ये लिखो, ये जो लिखा है देन एवरेज, एवरेज निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रिक वाली नहीं, अब इस बार मैग्नेटिक वाली, तो देन एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, यू ई बार था ना, अब के यू एम बार हो जाएगा 1/2 म्यू नोट नहीं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, है ना, इस पे बार लग जाएगा, तो यू एम बार बराबर 1/2, है ना, 1/μ0 पे ऐसे लिख लो, और b की वैल्यू रख दो, b बराबर हो जाएगा b नोट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर b नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है जी। बार तो है ही, तो यू एम बार बराबर ये हो जाएगा 1/2μ0 इंटू में बी स्क्वायर भी रहेगा, और इसे अलग, है ना, बी नोट पे क्या वो स्क्वायर, वो बी नोट पे क्या बार लगाना, बार तो उस पर रहने दो, है ना, और एक लाइन क्या बढ़ानी, यही कह दो वो वाली बात, क्या फॉर ए कंप्लीट साइकिल, भाई बी नोट तो कॉन्स्टेंट है ना, तो इस पर बार लगा के क्या होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू अभी बताई मैंने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। करने का तरीका मैंने बता दिया, करना चाहो तो, सो यू एम बार बराबर आएगा 1/2 1/μ0, ठीक है जी, और बी नोट स्क्वायर तो एस ये रहा, और इसकी वैल्यू 1/2, तो आपका यू एम बार आएगा 1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, है ना, ठीक है जी, इस तरीके से क्लियर है। इसका भी देखो, जैसे इसके यू ई के दो एक्सप्रेशन आए, ऐसे ही यू एम के भी दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इधर से मैं रख कर देता हूँ, साथ साथ नोट करते चला करो रफली, है ना। देखो कैसे आएगा इसका एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे ही भाई, बी आर एम एस क्या हो जाएगा, बी नोट अपॉन रूट टू, तो बी नोट की वैल्यू रख दो, यू एम बार बराबर 1/4 म्यू नोट भी चलो यहीं ले लो, और बी आर एम एस वो बी नोट की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, रूट टू बी आर एम एस, और इस सारे का होल स्क्वायर, तो यू एम बार आएगा 1/4 म्यू नोट 2 आ जाएगा, है ना, और ये बी आर एम एस का होल स्क्वायर, तो यू एम बार बचा 2 × 4 1/2 बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, ठीक है जी। तो जैसे इसके दो एक्सप्रेशन आए, ऐसे ही इसके भी दो एक्सप्रेशन आ गए। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड है, इसे आप एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हो, इसे आप एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। एवरेज का अर्थ औसत होता है, इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, एनर्जी डेंसिटी यानी वैद्युत वो ऊर्जा घनत्व, हिंदी फिर शब्दों के अर्थ मैं बता दिए, हिंदी खुद लगा लेना, ठीक है, शब्दों के अर्थ पता चलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्लियर है।
फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूरे संपूर्ण चक्र के लिए, है ना। तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाल लिए, दो एक्सप्रेशन आए। एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी निकाल ली, दो एक्सप्रेशन आए। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी टोटल निकालो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली दोनों को जोड़ दें, जोड़ के तो टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी, और वही तो निकालना है। तो देन ये टोटल से पहले एक काम कर लें, एक चीज पूछता है आपसे कई बार, और वो मैंने आपको उसमें बताई थी प्रॉपर्टीज में, कि UE जो है वो UM के बराबर था, तो कैसे था आइए उसे देख लेते हैं, है ना। तो देन UE लेके चलो, यहाँ को देख लो, चलो देन एवरेज, मैं लेके चल रहा हूँ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, यानी UE बार मैं लेके चल रहा हूँ और ले आऊँगा UM बार, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों बराबर हैं। UE बार क्या होता है, ये रहा 1/4 है एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ठीक है जी। देखो एक फॉर्मूला है, अभी मैंने प्रूफ कराया, ई नोट अपॉन बी नोट बराबर होता है सी, तो यहाँ यहाँ से ई नोट की वैल्यू रख दो, क्या जाएगी सी इंटू बी नोट का स्क्वायर। तो यू ई बार कितना आया 1/4 एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर बी नोट स्क्वायर, ठीक है जी। सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आपको बताएं 1/μ0 एप्सिलॉन नोट बराबर होता है सी स्क्वायर, तो यहाँ से वन ये सी स्क्वायर की वैल्यू है ना क्या जाएगी, ये आ जाएगी भाई सी बराबर होता है तो अंडर रूट आ जाता है इधर, तो यू ई बार बराबर 1/4 इसकी वैल्यू रखो एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर की वैल्यू रखो 1/μ0 एप्सिलॉन नोट और इनटू में है बी नोट का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो यू ई बार कितना आया 1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, और देख के बताओ ये वैल्यू किसकी है 1/4 वाली, ये रही 1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट किसकी है यू एम बार की, तो इसका मतलब यू ई बार किसके बराबर आया यू एम बार के, ठीक है। यू ई बार किसके बराबर आया यू एम बार के, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे एक लाइन लिख देना हैंस, है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से बटी रहती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। यानी भाई दोनों बराबर बराबर आ गई, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विद्युत चुंबकीय तरंग की जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी बराबर बराबर बटी होती है, ठीक है। तो हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की औसत ऊर्जा घनत्व का आएगा, बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से बटा होता है, यह बराबर रूप से या बराबर बराबर बटा रहता है, ठीक है। यहां से बात सिद्ध हो जाती है, आइए टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है जी। चलो यहां तक का मैं रफ कर दूं, नोट करते चल रहे होंगे आप साथ साथ, टोटल निकाल लेते हैं, है ना। तो देन टोटल, टोटल भी निकाल ली थी वो तो, लेकिन टोटल भी कौन सी एवरेज वाली, क्योंकि टोटल तो यहां निकाल ली थी वो सबसे शुरुआत में जो निकाल ली थी, टोटल एवरेज, ठीक है जी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और किसकी निकाल रहे हो, तो टोटल है, टोटल तो किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, दोनों की है, दोनों की मतलब, और दोनों से मिलकर ही बनता है, ठीक है, कौन, दोनों से ही मिलकर बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है।
अरे फोन गिर गया, चलो बच गया। तो मैंने कहा टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखो क्या आएगा भाई, यू बार कह दें और यू ई बार को और यू एम बार को दोनों को ऐड कर दें, तो यू बार बराबर यू ई बार क्या आएगा, यू ई बार ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर प्लस यू एम बार कहाँ है, ये रहा नोट नोट वाले ले रहे हैं दोनों, चाहे तो दोनों ई आर एम एस आर एम एस वाले ले लो 1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, ठीक है। तो ये आ गई, ठीक है जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, वो भी एवरेज वाली, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, इसे थोड़ा आगे कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, ये क्या है, ये है यूएम, और यहाँ से सिद्ध हो गया है यूएम यूई के बराबर है, इसका मतलब है आप 1/4 बी स्क्वायर बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट की जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं यूएम है ना, ये रख सकते हैं यूई, क्योंकि यूएम और यूई दोनों बराबर हैं, इसकी जगह आप ये रख सकते हो क्योंकि यूएम बराबर यूई, ठीक है जी, दोनों को जोड़ो U बार बराबर, ये तो 1/2 बचेगा ऐड करके, देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी है ये एवरेज वाली, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, ठीक है, क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी ला सकते हो आप, है ना। देखो आप मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में कैसे ला सकते हो भाई, यदि आप इसे दोबारा उठाओ तो ये क्या है यू ई और ये क्या है यू एम, है ना, तो इस बार आपने क्या करा था, इसके स्थान पर ये रख लिया था, इस बार क्या करो इसके स्थान पर ये रख लो, तो सिमिलरली कर दूं क्या आ जाएगा, सिमिलरली करके यू बार बराबर आ जाएगा आपका 1/2 ये है ना बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट 1/2 आएगा, क्योंकि एक टर्म इसके जैसी और होगी और दोनों जुड़ के 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, सिमिलरली कर दिया, ठीक है जी। तो बस इसके नीचे लिख दो ये वाला और ये वाला, दोनों एक्सप्रेशंस आ गए टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी के, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और इस किस टर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। तो आप लिखो दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, वेव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है और दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में है, और ये वाला कैसे आया भाई, जैसे ये किया तो ऐसे ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया हमने इसके स्थान पर ये रख दिया क्योंकि दोनों यू एम यू ई बराबर थे, तो ये ऐसा आया, और अगली बार जब करोगे तो इसके स्थान पर ये रख दोगे तो ये आ जाएगा, तो सिमिलरली कर दिया, हिंदी में क्या कहेंगे ये, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की, बल्कि का, है ना, देखो हिंदी में थोड़ा आदत नहीं रही है ना, तो इसलिए सोच सोच के बोलना पड़ता है, तो इसे मैं हिंदी के शब्द बता देता हूँ तो आप हिंदी जोड़ लेना फिर खुद। तो देखो ये है ना विद्युत चुंबकीय तरंग के कुल औसत ऊर्जा घनत्व के व्यंजक हैं, ठीक है, और किसके रूप में, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के पदों में व्यंजक हैं, ठीक है, कर लोगे, चलो। तो ये डेरिवेशन भी आपका पूरा होता है, इस लेक्चर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।